हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों मैं डॉक्टर रमनदीप ट्रीटमेंट एक्सप्लेन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों हेमरेजिक ओवेरियन सिस्ट आजकल यंग गर्ल्स और उन पेशेंट्स जो कि अपने फर्टाइल एज में हैं उनके लिए एक प्रॉब्लम सी बन गई है। बहुत से पेशेंट इसके कारण फिजिकल पेन में तो होते ही हैं, साथ ही साथ इनके कारण उनको साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी होता है। उनके दिमाग में बहुत से क्वेश्चंस घूमते रहते हैं कि ये हेमरेजिक ओवेरियन सिस्ट क्या उनके लिए नुकसानदायक है, कहीं ये कैंसर में तब्दील ना हो जाए, और ये आखिर कितने टाइम तक उनकी बॉडी में रहेगी, और ये आखिर उनकी बॉडी में ही क्यों हुई है। तो दोस्तों इन सब बातों के बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे। मैंने ओवेरियन सिस्ट के ऊपर जो प्रॉपर वीडियो है वो पहले ही बनाई हुई है, आप उसको जाके चेक कर सकते हो। आज हम बेसिकली बात करेंगे हेमरेजिक ओवेरियन सिस्ट के बारे में, इसके ट्रीटमेंट के बारे में और इसके प्रोग्नोसिस के बारे में कि कब इसको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देना चाहिए और कब इसकी सर्जरी करवानी चाहिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए, और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारा एक ही मोटिव है आपके पास सही और स्टीक नॉलेज के लेके आना और आपको बीमारी के बारे में कंप्लीट जानकारी देना, जिससे कि आप में इसके अगेंस्ट अवेयरनेस ज़्यादा पैदा हो। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। बॉडी में हेमरेजिक ओवेरियन सिस्ट कैसे बनती है? जब नॉर्मल फॉलिकल या फिर यूं कहें ग्राफियन फॉलिकल जो है वो डेवलप होता है, तो इसमें से ऊ साइड जो एक्सपेल्ड होता है, और इस एक्सपेल्शन के बाद उसमें से जो कॉर्पस ल्यूटियम जो वापस रह जाता है उसमें जो हेमरेजिक कंडीशंस पैदा हो जाती हैं, यानी कि उसमें कुछ सेल्स होते हैं उनको बेसिकली स्ट्रोमा सेल्स कहा जाता है, वो ज़्यादा वेस्कुलर हो जाते हैं, उसके कारण वहाँ पे ज़्यादा ब्लड सप्लाई होने लगती है, जिसके कारण हेमरेजिक ओवेरियन सिस्ट की कंडीशन पैदा होती है। तो अब बात करते हैं कि हेमरेजिक ओवेरियन सिस्ट का आखिर लक्षण क्या होता है, कि कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जिससे पहचान की जा सके कि उस पर्सन में हेमरेजिक ओवेरियन सिस्ट जो है वो प्रेजेंट होती है। दोस्तों मोस्ट ऑफ द केसेस हेमरेजिक ओवेरियन सिस्ट में कोई भी लक्षण पैदा नहीं होता, इसकी जो फाइंडिंग्स होती हैं वो इंसिडेंटल फाइंडिंग्स होती हैं। इंसिडेंटल यानी अचानक अल्ट्रासाउंड किया और उसमें पता चला, पर कुछ पेशेंट्स में ये क्लिनिकल फीचर्स लेके आता है। क्लिनिकल फीचर्स जो हैं वो ओवेरियन सिस्ट के जैसे ही होते हैं, यानी कि हेमरेजिक ओवेरियन सिस्ट एंड ओवेरियन सिस्ट के जो सिम्टम्स हैं वो ज़्यादातर एक जैसे होते हैं। हेमरेजिक ओवेरियन सिस्ट में पेशेंट को जो पेन होती है लोअर अबडोमिनल फील होती है, इस पेन का कारण जो है वो हेमरेजिक सिस्ट का बड़ा हुआ होना होता है। इसके साइज के कारण आसपास की जो स्ट्रक्चर्स है उस पर प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण उस प्रेशर के कारण पेशेंट को पेन फील होती है। ये पेन ज़्यादातर लोअर अबडोमिन में होती है, और कई बार ये पेन इतनी सीवियर होती है कि ये लोअर बैक में भी रेडिएट करती है, वहाँ तक जाती है, और पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस होती है। कुछ पेशेंट्स ये भी उनको लगता है कि उनका पेट का साइज बड़ा हुआ है, और साथ ही साथ उनको ब्लोटिंग की प्रॉब्लम भी ज़्यादा होती है। कुछ पेशेंट्स को सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान पेन का फील होना या फिर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होना, ये अक्सर कुछ पेशेंट्स हमें आके ये बताते हैं। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो स्पेसिफिकली डिनोट नहीं करते कि ये हेमरेजिक सिस्ट की तरफ इशारा करें, इसीलिए हेमरेजिक ओवेरियन सिस्ट को डायग्नोस करने का सबसे बढ़िया तरीका जो है वो अल्ट्रासाउंड होता है। अल्ट्रासाउंड से ही हमें हेमरेजिक ओवेरियन सिस्ट का साइज पता चलता है, और साथ ही साथ ये पता चलता है कि ये कितनी बड़ी है और ये हेमरेजिक है या एक नॉर्मल ओवेरियन सिस्ट है। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ज़्यादातर जो ओवेरियन सिस्ट होती हैं वो नॉन कैंसरस होती हैं, यानी कि वो कैंसर में जो डेवलप नहीं होती, और ओवेरियन सिस्ट जैसे ही हेमरेजिक ओवेरियन सिस्ट उसका एक टाइप है, और वैसे बहुत से टाइप्स होते हैं जैसे कि डर्माइड सिस्ट, और कुछ सिस्ट जो है वो PCOS पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के दौरान पेशेंट के पेट में बनते हैं। तो ये सब डिफरेंट टाइप्स होते हैं, और इन सब का ट्रीटमेंट जो है इनके टाइप्स के अकॉर्डिंग ही होता है। अगर ये हेमरेजिक ओवेरियन सिस्ट साइज में बढ़ती ही जाए तो कई बार कुछ पेशेंट्स में ये रप्चर भी हो जाती है, यानी कि ये फट जाती है, और इसके कारण पेशेंट को
अक्यूट अब्डोमिनल पेन की प्रॉब्लम होती है, बहुत ही तेज पेट में दर्द होता है और साथ ही साथ इंटरनल ब्लीडिंग जैसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। रप्चर जो होता है वो बहुत से पेशेंट्स में नहीं होता, ज़्यादातर जो हेमरेजिक ओवेरियस सिस्ट है वो 2 or 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाती हैं। अगर ये हेमरेजिक ओवेरियन सिस्ट खुद ब खुद रिजॉल्व ना हो तो इसके लिए हमें कुछ ट्रीटमेंट देना पड़ता है, वो ट्रीटमेंट मेडिसिनल भी हो सकता है या फिर अगर साइज बड़ा हो तो उसको सर्जिकल ट्रीटमेंट भी देना पड़ता है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट अप्रोच कैसी होनी चाहिए, यानी कि अगर किसी को हेमरेजिक ओवेरियन सिस्ट डायग्नोस हो, चाहे वो राइट ओवेरियन सिस्ट हो चाहे वो लेफ्ट ओवेरियन सिस्ट हो, उसमें ट्रीटमेंट अप्रोच कैसे होना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। हेमरेजिक ओवेरियन सिस्ट या किसी भी ओवेरियन सिस्ट के ट्रीटमेंट के जो दो मेन पार्ट होते हैं, फर्स्ट तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट यानी कि ऑब्जर्वेटिव ट्रीटमेंट। इन पेशेंट्स में उनको कोई भी दवाई नहीं दी जाती, उनको सिर्फ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट दिया जाता है और उनको सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए रखा जाता है। अल्ट्रासाउंड रिपीट की जाती है 2 महीनों बाद या 3 महीनों बाद, अगर साइज बढ़ता है तो उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है, अगर साइज नहीं बढ़ता तो उनको ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता। ये उन पेशेंट्स के लिए है जिनको कोई क्लिनिकल प्रेजेंटेशन नहीं है, यानी कि सिर्फ इंसिडेंटल फाइंडिंग है और उन पेशेंट्स को क्लिनिकली कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होती। हेमरेजिक ओवेरियन सिस्ट के जो 4 बेसिक जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस होते हैं वो आपको ज़रूर पता होने चाहिए। सबसे ज़्यादा जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होती है वो अब्डोमिनल पेन की होती है। मोस्ट ऑफ द केसेस पेशेंट आते हैं उनको लोअर अब्डोमिनल पेन होती है। उसके बाद बात करें तो पर वजाइनल ब्लीडिंग, ऐसे पेशेंट्स कंप्लेंट लेके आते हैं उनसे जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होती है। कुछ पेशेंट्स में इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है और अगर लास्ट में बात की जाए तो पेशेंट को इनफर्टिलिटी के कारण डायग्नोस किया जाता है कि उनको हेमरेजिक ओवेरियन सिस्ट है। हेमरेजिक ओवेरियन सिस्ट को उसके साइज के हिसाब से कैसे ट्रीट किया जाना चाहिए, दोस्तों बेसिकली ब्रॉडली पेशेंट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट तो होता है पोस्ट मेनोपॉजल, जिनको मेनोपॉज हो चुका है, और सेकंड वो पेशेंट जिनको अभी मेनोपॉज नहीं हुआ, यानी कि जिनका मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर है। तो जो पोस्ट मेनोपॉजल पेशेंट्स हैं उनको अगर साइज जो है 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो उनको सर्जरी ही एडवाइजेबल है, उनके लिए कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट नहीं है। ये उन पेशेंट्स के लिए है जिनके मेंस्ट्रुअल साइकिल जो बंद हो चुके हैं। अब बात करते हैं उन पेशेंट्स की जिनके साइकिल रेगुलर हैं और जिनके ओवेरियन सिस्ट का साइज जो है वो 5 सेंटीमीटर से कम है। ऐसे पेशेंट्स के लिए एक टेस्ट करवाया जाता है जिसको हम कहते हैं CA-125। अगर CA-125 की प्रॉब्लम जो है रेंज है वो नॉर्मल है तो ऐसे पेशेंट्स को हमें कोई भी ट्रीटमेंट नहीं देना पड़ता। अब बात करते हैं उन पेशेंट्स की जिनका हेमरेजिक ओवेरियन सिस्ट का साइज जो है वो 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है और उनका CA-125 भी नॉर्मल है। अगर उनका CA-125 नॉर्मल है तो उन पेशेंट्स को कुछ ऐसे साइकिल रेगुलेटरी मेडिसिंस दी जाती हैं जिनसे कि उनका साइकिल रेगुलर हो और साथ ही साथ उनको प्रॉपर डाइट बताई जाती है, नॉर्मल डाइट खानी है और कैसे उन्हें अपनी डेली फिजिकल एक्टिविटी करनी है जिससे कि उनके हॉर्मोन्स जो है वो नॉर्मल होते हैं और साथ ही साथ जो हेमरेजिक ओवेरियन सिस्ट है वो खुद ब खुद गायब हो जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस हेमरेजिक ओवेरियन सिस्ट जो है वो खुद ब खुद रिजॉल्व होने वाली चीज है, इन पेशेंट्स में ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते। पर अगर पेशेंट का CA-125 हाई हो तो हमें कुछ और एक्सटेंसिव डायग्नोसिस करने पड़ते हैं, कुछ ऐसी इन्वेस्टिगेशंस करनी पड़ती हैं जिससे हमें पता चल सके कि कहीं ये कंडीशन कैंसरस तो नहीं है। तो उन पेशेंट्स को एडवाइस है कि ऐसे पेशेंट जिनका साइज जो हेमरेजिक ओवेरियन सिस्ट का साइज 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो उनको अपने नियर बाय जनरल सर्जन या फिर कुछ ऐसे एक्सपर्ट फिजिशियन की सलाह जरूर लेनी चाहिए और अगर उनके साइकिल रेगुलर नहीं है तो वो अपने गायनेकोलॉजिस्ट के साथ बात करके साइकिल रेगुलेटरी मेडिसिन ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, अगर कोई भी सिस्टिक लीजन यानी कि सिस्ट जैसी स्ट्रक्चर आपको किसी के अल्ट्रासाउंड में मिलती है तो आप इसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, आप इसको नॉर्मल बिनाइन कंडीशन मान के ऐसे ही नहीं छोड़ सकते।
हमें उसके लिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस करवानी चाहिए। अगर सारी इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल है और इन ऐसे पेशेंट्स का कुछ टाइम के इंटरवल के बाद अल्ट्रासाउंड और इन्वेस्टिगेशन जरूर करवाते रहना चाहिए, जिससे कि हमें किसी भी आने वाली एबनॉर्मेलिटी का पहले से पता चल जाए। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, रेगुलर इंटरवल्स पे एक्सपर्ट डॉक्टर के द्वारा एग्जामिनेशन किया जाना और साथ ही साथ आपका इवेल्यूएशन करना, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है किसी भी फ्यूचर आउटकम को रोकने के लिए। डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात की जाए, यानी कि हेमरेजिक ओवेरियन सिस्ट के जैसे ही और लक्षण किन कंडीशंस में मिलते हैं, वो होती है एंडोमेट्रियोमा और साथ ही साथ हेमरेजिक कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट। इन कंडीशंस में भी हेमरेजिक ओवेरियन सिस्ट जैसे ही अल्ट्रासाउंड मिलती है और साथ ही साथ वैसे ही लक्षण पेशेंट में देखने को मिलते हैं, तो बहुत ध्यान से हमें इनके लिए डायग्नोसिस करना चाहिए। ये सब बातें थी हेमरेजिक ओवेरियन सिस्ट को कैसे डायग्नोस किया जाना चाहिए और कैसे इसकी क्लिनिकल अप्रोच होती है किसी डॉक्टर की, किसी पेशेंट की तरफ। उम्मीद करते हैं ये सब बातें आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपको हेमरेजिक ओवेरियन सिस्ट के बारे में पूरी तरह से ज्ञान मिल गया होगा। ऐसी ही ज्ञानवर्धक बातों के लिए और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा के जाएं और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे कि हमारे चैनल की हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो दोस्तों, अगली वीडियो तक के लिए धन्यवाद।